हेलो मैम कौशल बगल सिंगल नंबर वे। आज को बात करने जा रहे हैं हिस्ट्री रिवीजन सीरीज 3 की। इसमें हम फर्स्ट फेज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इसकी डिटेल्ड वीडियो मैं डाल चुका हूँ पूरी एक घंटे वाली 40-50 मिनट वाली, वो तुम डिस्क्रिप्शन बॉक्स की प्लेलिस्ट से देख सकते हो। लेकिन अगर तुम रिवीजन करने आए हो बोर्ड से एक दो दिन पहले, दिस वीडियो इज परफेक्ट फॉर यू। तो आज के हम क्या डिस्कस करेंगे, फर्स्ट फेज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट जो कि स्टार्ट कहां से हुआ। अब देखो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा कि 1857 का रिवोल्ट हुआ, कुछ जीत वगैरह तो नहीं हुई इंडियंस की, लेकिन फिर भी हमें काफी फायदे हुए, राइट। हमें मतलब हमने एटलीस्ट यूनिटी देख ली है, सब चीजें देख ली, और ब्रिटिशर्स को लगा कि यार नहीं कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। ब्रिटिशर्स आ गए, पूरे वाइसरॉय वगैरह बनने लगे हैं, वो सब चीजें। लास्ट चैप्टर में जैसे कि उन्होंने बताया कि यार एयर होम वगैरह ने मिलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन करी, तब ब्रिटिशर्स को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है करते रहो वगैरह सब। लेकिन अब इनके ऑब्जेक्टिव क्या थे, क्या क्या करना चाहते थे, दिस इज मोस्टली चीजें इस चैप्टर में सिलेबस में है ही नहीं भैया। सिलेबस में क्या, सिलेबस में तुम्हें बताता हूं। सो सबसे पहले ये चीज जान लो, ऑली नेशनलिस्ट का जो पीरियड था, जो स्टार्ट होता है वो 1885 से लेके 1907 तक चलता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड फेज आएगा, वो ज्यादा देर वो तुम लगा लो 8 से 9 साल चलेगा। उसके बाद दी गांधीयन एरा आएगा, वो आजादी तक चलेगा, ठीक है। आजादी हमें पता ही है ना, कोई स्पॉइलर तो नहीं दिया मैंने, कब मिलती है 1947, ठीक है, तो स्पॉइलर नहीं है कोई, ठीक है। अब अर्ली नेशनलिस्ट पीरियड 1885 to 1907 तक है, हमने बस इसके बीच की चीजें आज की वीडियो में खत्म कर देनी, इसका अगला कोई और चैप्टर है ही नहीं, ठीक है जी। सो इसमें क्या, सबसे पहले हम मेथड्स की बात करते हैं। अब देखो अर्ली नेशनलिस्ट जो थे ना, इनके बारे में अगर तुमने कुछ जानो, मेथड्स वगैरह तुम्हें तब अच्छे समझ आएंगे, तुम्हें इनके बारे में पता होगा। तो कहने का भाव क्या है, ये लोग ना चाहते थे कि हम ब्रिटिश के अंडर ही रहे, मेजॉरिटी ऑफ देम के, मतलब इनमें कुछ ऐसा नहीं था कि हमें साम्राज्य वो चाहिए, स्वराज वगैरह चाहिए, और इतना जल्दी तो कतई नहीं चाहिए, ठीक है। तो इनका मानना था कि ब्रिटिशर्स ठीक है, ये अच्छा कर रहे हैं, बट इनको ना हम इंडियंस को ये समझ नहीं पा रहे कि हम क्या चाहते हैं। तो हम ये कुछ रिफॉर्म्स चाहते थे, जैसे कि एक तो आज जी इकोनॉमिक रिफॉर्म, के हमारे ड्रेन ऑफ वेल्थ है वो काफ़ी हो रही है, इसे हम रोक देंगे, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छे से एक एक बंदे ने क्या क्या किया। तो इकोनॉमिक में हम ये सब चाहते हैं कि पैसा इंडिया पे लगे, ब्रिटिशर्स की जो इतनी आर्मी है इस पर इतना पैसा खर्च हो रहा है वो कम हो जाए, हमारे पे ज़्यादा लगे, ये वो चीज़ें। और जो हमें मतलब एडमिनिस्ट्रेशन पावर्स दी जाए हमें थोड़ी, और ये जो लाइसेंस वगैरह, ये जो लाइसेंस एक्ट आए, आर्म्स एक्ट, वर्नैक्युलर एक्ट, प्रेस एक्ट, ये वो सब बंद कर दिए जाए, क्योंकि ये सब में इंडियंस का फायदा तो हो नहीं रहा, इनको समझ नहीं आ रही इंडियंस का फायदा नहीं हो रहा, और ऐसी एक दो और चीज़ें, ठीक है, ऐसे अलग अलग तरीके के रिफॉर्म्स में वो चाहते थे। लेकिन लिटिल डिड नो कि ब्रिटिशर्स का तो मकसद था ही नहीं इंडियंस को गवर्न करना, वो ये थोड़ी चाहते थे कि भाई हम इंडियन का गवर्न करें, हम जगह बढ़ाएं, वो तो चाहते थे हम इंग्लैंड की इकोनॉमी बढ़ाएं, इंडियन से घंटा फर्क भी नहीं पड़ता था उनको, इंडिया की इकोनॉमी कहां जा रही है क्या हो रही है उन्हें थोड़ी फर्क पड़ता, राइट। अगर तुम्हारे कोई नया प्रिंसिपल आया है तो वो तो चाहता ना कि स्कूल अच्छा हो, लेकिन अगर वो जिसले कैसा है कि मैं तो यहाँ से पैसा कमा के, सैलरी कमा के, प्रॉफिट कमा के बाहर चला जाऊंगा, मैं उधर इन्वेस्ट करूंगा, अपना नया स्कूल खोलूंगा, तो वो स्कूल के बारे में ध्यान नहीं देगा, ठीक है। तो बेसिकली तुम्हें समझ सकते हो, ठीक है। सो ये है तुम्हारा चैप्टर जिसको हम जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले तो इनके मेथड को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीटेशन मेथड्स, कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीटेशन मेथड्स इन्हें बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि वर्ड्स को समझ लो, मेथड का मतलब मेथड, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कि यार मतलब संविधान में रहते हुए लॉफुली हम एग्जीटेशन करेंगे, लॉफुली हम विरोध करेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट सेट ऑफ मेथड, सेकंड सेट ऑफ मेथड बहुत इजी है, तुम एक बार रीड कर लोगे सब पेपर में लिखा हुआ है, ठीक है। क्या है, सबसे पहले उनका पहले तो था कि यार इंडियंस को एजुकेट करना, ऑब्जेक्टिव लगा लो तुम, क्या ऑब्जेक्टिव है कि इंडियंस को हमने क्या करना है, एजुकेट करना। क्यों एजुकेट करना है, एक किस चीज में करना है, पहले तुम मॉडर्न पॉलिटिक्स में, मॉडर्न पॉलिटिक्स के इंडियंस को पता लगे आज की पॉलिटिक्स होएगी कैसे, होती कैसे, जो पढ़े लिखे लोग हैं वही करेंगे, ठीक है। और नेशनल कॉन्शियस जगह, ठीक है, यूनिटी वगैरह वही चीज आ गई। अब मैंने तुम्हें बताया जो फर्स्ट फेज है ना, ये भरा हुआ है सिर्फ और सिर्फ जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो कि लॉयर्स और ऐसे ऐसे अलग अलग फील्ड से आते हैं, ठीक है, उनसे। ये आम जनता तक नहीं पहुंचा अभी, ठीक है, हम बात करेंगे। तो ये चीज़ है। अब मीटिंग्स की बात करें, पहले ऑब्जेक्टिव इन्होंने क्या किया, एजुकेट करना है इंडियंस को। अब वो कैसे कर रहे हैं, मेथड्स क्या है, पहले तो मीटिंग्स रखवा के। मीटिंग्स में क्या करते थे यार, ये मीटिंग्स में ऐसे नेशनल कॉन्शियस वगैरह जगाने की कोशिश करते थे आम पब्लिक के लिए। ये जो चीज़ है ये पब्लिक के लिए, ये चीज़ है ब्रिटिशर्स के लिए, समझ लो, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या किया इन्होंने, सबसे पहले तो स्पीचेस बनाई, स्पीचेस बोल के ऐसे लोगों को मोटिवेट करना और लोगों के प्रति ऐसे जागरूकता पहुंचानी, स्पीचेस ही होती है ना। तो जो मीटिंग्स रखते थे उसमें स्पीचेस कराते थे। रेजोल्यूशन पास्ड फॉर पॉपुलर डिमांड्स, तो रेजोल्यूशन पास करते थे यार जो पॉपुलर डिमांड्स है। अब देखो इतनी स्पीच बनाई उन्होंने पूरा किया, अगर पब्लिक आई है या फिर चलो लॉयर्स की भी काफी जनता है वो ही आ गई और ऐसे अलग अलग बॉडीज आ गई, तो फिर वो लोग जो पॉपुलर डिमांड्स है उनको मतलब पॉपुलराइज करना कि भाई हम लोग ये चाहते हैं, आम जनता सारी ये चाहती है। ऐसे बोलते बोलते ना हमें लगता है यार हाँ हम भी तो आम जनता, हम भी तो यही चाहते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। ऐसा थोड़ा बहुत बेटी ट्रिक्स के लिए जाती है। अब उसके बाद क्या, प्रेस को यूज करना क्रिटिसाइज गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसी मतलब लोगों को ये बताना कि यार सरकार भी गलत हो सकती है। ऑब्वियसली मैंने तो पता ही था कि काफी अत्याचार हो रहे हैं हम पे, पर सरकार को भी हम ऐसा क्रिटिसाइज कर सकते हैं लॉफुली, क्योंकि तब तक जब तक वर्नैक्युलर नहीं आया था तब तक तो लीगल था, तो कर रहे थे, उसके बाद ही आया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें। अब पिटिशंस टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मेन एम टू एजुकेट इंडियंस, के मतलब वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को पिटिशंस तो भेज रहे थे, पिटिशंस होता है ना कि लोग साइन करके कितने लोग ऐसे भेजते हैं कि हम तो यही चाहते हैं।
वो भेज तो ये रहे थे, लेकिन कोई इतने बड़े बंदे को भेजते हैं, वो पूरे न्यूज़पेपर वगैरह में आता है, सब कुछ आता है। तो उससे क्या हो रहा है कि देखो गवर्नमेंट कुछ करे ना करे उन तक पहुंच रहा, मुझे वो हम सेकंड सेकंड में पढ़ेंगे, लेकिन एटलीस्ट इंडियंस तो एजुकेट हो रहे हैं, जो पढ़े लिखे हैं एटलीस्ट वो तो पढ़ रहे हैं उसको न्यूज़पेपर वगैरह में, उन तक तो पहुंच रही है ना इनकी। तो एक वो इनको ये फर्स्ट सेट ऑफ मेथड इनका था। सेकंड सेट वॉज रिलेटेड टू कि हम सरकार को कैसे मतलब परसुएड कर सकते हैं, सरकार को कैसे कर सकते हैं और ब्रिटेन की जनता को कैसे कर सकते हैं, दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या, इन्फ्लुएंस ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड पब्लिक, ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश पब्लिक जो वहां पर बैठी है उनको भी करना। P3 फॉलो करते थे, P क्यूब में इसको P क्यूब भी बोल सकते हो, 3 P's भी बोल सकते हो, कुछ भी। तो इनका क्या है, सबसे पहले पिटीशंस, यही मैंने कहा कि ऐसे इतने लोग साइन करेंगे पिटीशन भेजेंगे सरकार को कि हमारी सुन लो, हम ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, नहीं तो प्रेयर, नहीं मानी तो फिर हाँ जोड़ लेंगे, प्रेयर करेंगे हम जी ऐसे, आप ऐसे कर दो, हमारा कैसे कर सकते हैं। उसके बाद भी नहीं तो फिर तीसरा प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट ऐसा नहीं कि मतलब खून खराबा होने लगे, नहीं प्रोटेस्ट इन द सेंस बहुत पीसफुल। ठीक है, अब सत्याग्रह वगैरह तो गांधी जी के आने के बाद ही शुरू हुआ, ठीक है, वो इंडिया में उससे पहले तो इतना था नहीं, बट प्रोटेस्ट का मतलब ज़्यादा जनता को ले जाओ, थोड़ा ज़्यादा जनता को लेकर प्रेयर कर लो, वो प्रोटेस्ट टाइप हो गया। ठीक है, तो वो सब हो गया। अब INC इन लंदन, INC को लंदन में भी स्टैब्लिश किया था, INC की मतलब एक बॉडी को, INC क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसको लंदन में भी स्टैब्लिश कर दिया कि वो इंडिया, एक न्यूज़पेपर का नाम है, न्यूज़पेपर या मैगजीन तुम कह लो, उसमें उसको पब्लिश करना वीकली, ताकि वो जो ब्रिटिश की पब्लिक है ना उन तक पहुंच पाए हमारे इंडियंस के पास कि यहाँ पे यार सही चीज़ें नहीं हो रही सब, ठीक है, इंडिया पूरे अच्छे से नहीं चल पा रही, इंडियन लोगों पे काफ़ी ग्रीवेंसेज हैं, काफ़ी दुख तकलीफें हैं, जो कि मतलब उन तक पहुंच जाए हमारी बात, ठीक है, बेसिकली इससे डिपेंड क्या, अच्छा डिप्यूटेशंस ऑफ इंडियन लीडर्स सेंट टू इंग्लैंड, डिप्यूटेशंस का मतलब होता है यार जो काफ़ी ग्रुप ऑफ पीपल, इसके इसमें ग्रुप ऑफ लाइक एजुकेटेड और एमिनेंट पीपल, इनको भेजना इंग्लैंड, ताकि वो इंडिया जो है इंडिया के बारे में बात कर पाए, वही मैंने कहा न्यूज़पेपर वगैरह में, वही इंडिया की बात पहुंचा पाए और काफ़ी चीज़ें। इसमें सबसे बड़ा नाम जो तुम्हारे उठ के आएगा वो आएगा दादाभाई नौरोजी का, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। सो दिस वॉज योर मेथड्स जो कि तुम्हारे थे यार अर्ली नेशनलिस्ट के, इसमें यही है तुम्हारे चैप्टर में। और उसके बाद 3 personalities हैं एमिनेंट जिनके बारे में हमने पढ़ना है, 3 early nationalists, उनके बारे में पढ़ना है। और एग्जाम में क्या आएगा, कोई दो दो चीज़ें जो उन्होंने की है, ठीक है, उनके दो दो कॉन्ट्रीब्यूशन मैंने 3 लिखे हैं सबके, उनके अंदर भी काफ़ी सब पॉइंट्स लिखे हैं, बट तुम एग्जाम में 2 ही आएंगे, उससे ज़्यादा आएंगे नहीं, बिकॉज सिलेबस में यही लिखा है। सो सबसे पहले हैं दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी का क्या है, इनको कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया एंड इंडियाज अनऑफिशियल एम्बेसडर, दोनों याद रख लेना, जो तुम्हारे दादाभाई नौरोजी हैं इनको कहा जाता है, ठीक है, अब अनवर्ड में आ सकता है। अब दादाभाई नौरोजी इन्होंने ना मोस्टली इंडिया के लिए काम किया, इंडिया से बाहर रहकर, ऐसा नहीं कभी इंडिया आए नहीं, आए हैं, ठीक है, पहले इंडिया आए हैं। तो ये महाराष्ट्र के थे, पहले मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे कॉलेज के, काफ़ी देर तक 10 साल तक ऐसे कॉलेज के प्रोफेसर रहे, उसके बाद उनको छोड़ के इन सब चीज़ों में आ गए, इस लाइन में आ गए, इस लाइन में मतलब भाई भाई साहब किस लाइन में आ गए आप, ठीक है, तो वैसे ये लाइन में आ गए पॉलिटिक्स में, ठीक है, तो इन्होंने पहले जो अपनी जॉब वगैरह थी सब छोड़ दी। अब सबसे पहला कंट्रीब्यूशन क्या, इंडियाज अनऑफिशियल एम्बेसडर, जैसे मैंने आपको कहा कि इंडिया के अनऑफिशियल एम्बेसडर थे, इन्होंने काफ़ी कुछ किया है सबसे। लेकिन तुम कहोगे भैया क्या मैं यही पॉइंट लिख दो नंबर आ जाएंगे, नहीं, इन पॉइंट के अंदर एक दो और पॉइंट लिखने पड़ेंगे, चाहे डेट्स इतने मत याद करना, बट सजेस्टेड यही रहता है कि तुम्हें पता हो डेट्स का, ठीक है, याद हो ना हो बट पता हो, बाकी अगर रह जाए तो रह जाए। ऑलराइट, तो सबसे पहले क्या आता है तुम्हारा 1865, 1865 में क्या है, इन्होंने लंदन सोसाइटी बनाई, क्या, लंदन इंडिया सोसाइटी बनाई 1865 में, अभी ये तो 85 से शुरू हुआ है, तो उससे पहले से ही काम कर रहे हैं, ठीक है, 1865 लंदन इंडिया सोसाइटी बनी, किसके साथ, विद WC बॉनर्जी, वो कौन थे, हाँ पिछले चैप्टर में पढ़ा है, फर्स्ट प्रेसिडेंट, हाँ ठीक है ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नहीं फर्स्ट सेशन के प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, ठीक है, WC बॉनर्जी के साथ बनाई, किस चीज़ के लिए, ताकि वो ग्रीवेंसेज जो इंडिया की दुख तकलीफें उन्हें पहुंचा जाए, पब्लिसाइज कर पाए ब्रिटिशर्स के सामने, ठीक है, लंदन में बनाई थी, तो वही चीज़ जो यहाँ पे था मैंने बता दिया। ऑल्सो ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी अ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स इज जस्ट लाइक लोकसभा ऑफ इंडिया, ठीक है, तो तुम समझ रहे हो वहाँ पे उस टाइम पे मतलब उनके पार्लियामेंट में मेंबर बनना इज अ बिग थिंग, वॉज अ बिग थिंग, ठीक है, तो ये फर्स्ट इंडियन थे उस टाइम पे, उससे पहले कोई इंडियन उनके पार्लियामेंट में नहीं जगह बना पाया था, मेंबर नहीं बन पाया था। अच्छा, अब उसके बाद 1893 में क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, 1893 में इंपीरियल सिविल सर्विसेज ICS, जिसको तुम आज के टाइम पे के UPSC से कंपेयर कर सकते हो, ठीक है, मतलब दोनों का मेन चीज तो वही है ना कि सरकारी नौकरियां, ठीक है, तो इंपीरियल सिविल सर्विसेज जो एग्जाम था, ये जो है ICS, TCS नहीं है, ये ICS है, ठीक है, ICS में क्या है, एग्जाम को इंडिया में भी करवाने का इन्होंने पास करवा दिया था 1893 में, काफ़ी देर से कोशिश कर रहे थे, लेकिन 1893 में फाइनली, मतलब ऐसा उन्होंने कहा था कि चलो इंग्लैंड में तो कर रहे हो, अब जिस इंडियन को एग्जाम देना है वो इंग्लैंड आए, ठीक है, इतने पैसे खर्च के एग्जाम दे, और फिर उसको पता नहीं वो होगा सिलेक्ट करें, फिर वापस आए, फिर वेट करे रिजल्ट के, उसके बाद फिर नौकरी लगे, वो चीज़ें, इतना पैसा होता तो मतलब वहाँ के रुपीज़, मतलब उनकी करेंसी वो सब, और
काफ़ी ड्रेन ऑफ वेल्थ भी हो रही थी, तो कैसे हो पाता। तो इन्होंने काफ़ी मेहनत करवा के, क्योंकि हाउस ऑफ कॉमन्स में अपील कर करके जो वो एग्ज़ाम था वो इंडिया में भी का, वो जिस दिन इंग्लैंड में हो रहा है, जब इंग्लैंड में हो रहा है तभी इंडिया में भी साथ साथ होगा, ठीक है। सो ऐसे करवा दिया था। 1866 में इन्होंने एक ईस्ट इंडिया एसोसिएशन भी बनाई थी लंदन में, ठीक है, जो कि काफ़ी पॉपुलर हुई थी, ठीक है। कंपेरेटिवली अगर तुम देखा जाए कि कांग्रेस से पहले जो पार्टीसिपेट में से मोस्ट पॉपुलर, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन थी, ठीक है, बस इतना तुम लिख सकते हो। इंडियंस ऑफ ऑफिशियल एम्बेसडर में एक आधा पॉइंट रहा भी थे, कोई दिक्कत नहीं, बट दिखना चाहिए कि तुम्हें आता है, ठीक है। सेकंड है रोल ऑफ द कांग्रेस, मतलब कांग्रेस में इनका क्या हाथ था, क्या रोल था। सबसे पहले तो तुम, ये बहुत ईजी है, 3 बार प्रेसिडेंट रहे। क्या 3 बार में? हाँ, 3 बार मतलब लगातार नहीं, बट 3 साल प्रेसिडेंट रहे। सबसे पहले हमने पढ़ा था जब सेकंड सेशन था, सेकंड सेशन कब था, 1886 में। उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ, एक राजबिहारी घोष जी जब प्रेसिडेंट बने उस टाइम पर ना पार्टीशन हो गया था उसमें, मतलब कांग्रेस में दरार आ गई थी, बेसिकली स्प्लिट हो गया था सूरत का। तो उससे एक साल पहले ये थे, उससे एक साल पहले ये थे, कब, वो 1907 में हुआ था, ये अगले चैप्टर में आएगा वैसे, और 1906 में ये थे, ठीक है। तो 1886, 1906, और इसके बीच में बस एक याद करना, क्योंकि ये दोनों, ये अगले चैप्टर में आ जाएगा, ये पिछले चैप्टर में किया हुआ है, तो एक याद करना 1893, ठीक है। 3 बार प्रेसिडेंट रहे। अब इन्होंने क्या ना, कांग्रेस में जो काफ़ी ऐसे मूवमेंट्स, जो विशेष चर्चे के, हम जी इस पर अपील करेंगे, ये ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, ये ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, ये होता है ना, तो उसमें इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स बताए, ठीक है, जब ये मतलब प्रेसिडेंट थे। एक तो बॉयकॉट का, एक स्वदेशी का, एक नेशनल एजुकेशन का। बॉयकॉट का इन्होंने उठाया कि जी बाहर का प्रोडक्ट बंद करो, उसके साथ स्वदेशी भी रिलेटेड ही है कि जी बाहर का बंद करेंगे तो इंडिया का बनाएं, खाएंगे और पहनेंगे वगैरह सब, तो इंडिया स्वदेशी। और नेशनल एजुकेशन को काफ़ी मतलब पहुंचाओ, ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट एजुकेशन है सब, ठीक है। अब इन्होंने स्वराज की बात करी थी फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1906, जब ये प्रेसिडेंट थे, तो फर्स्ट टाइम इन्होंने स्वराज की बात मतलब कांग्रेस में ऐसा पूरा ऑफिशियली करी थी, ठीक है। एक्सपोज्ड द इकोनॉमिक इल्स ऑफ इंडिया, ये काफ़ी इकोनॉमिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट थिंकर थे, तो इन्होंने काफ़ी इकोनॉमिक जो इंडिया में दिक्कतें थी उनको एक्सपोज किया, उनको समझाया लोगों को कि ये बहुत दिक्कतें हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें, ड्रेन ऑफ वेल्थ वगैरह, ठीक है। तो इसमें क्या इन्होंने वही लिखा कि ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, उसको हमने समझाया कि ब्रिटिश काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं इकोनॉमिक मामले में स्पेशली, तो उनको मतलब इन्होंने वो पर्दाफाश किया बेसिकली तुम कह सकते हो। तो इन्होंने बुक निकाली पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कि कैसे ब्रिटिशर्स गलत अत्याचार वगैरह कर रहे हैं, उसमें उन्होंने मतलब ये जो ड्रेन थ्योरी है वो अपनी बताई कि कितना पैसा इंडिया से बाहर जा रहा है, उसके रिटर्न में कोई प्रोपोर्शनेट रिटर्न आ नहीं रहा इंडिया को, तो वो चीज़ें इन्होंने अपनी बुक में काफ़ी अच्छे से बताई हैं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इन्होंने काफ़ी आवाज़ उठाई थी उसके बारे में। सो दिस वॉज अबाउट दादाभाई नौरोजी, ही ब्रीथ इट लास्ट इन 1907 एंड काफ़ी एमिनेंट पर्सनैलिटी रहे ये, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी की। अब गोपाल कृष्ण गोखले वॉज ऑल्सो एन अर्ली नेशनलिस्ट फेस, अर्ली नेशनलिस्ट थे, और अर्ली नेशनलिस्ट का तुम्हें पता है कि ये काफ़ी ऐसा ना ब्रिटिशर्स को मानते थे इन द सेंस के मतलब उनके साइड में थे, उनको लगता था कि यार ब्रिटिशर्स अच्छे हैं, हैड फेथ इन ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो इंडिया का अच्छा कर सकते हैं अगर हम थोड़ा बहुत उनको क्रिटिसाइज करके उनको सही ट्रैक पे ले आए, ठीक है। तो इनका ये मानना था, इनको कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर भी बोला जाता है, कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर ये क्यों बोला जाता है, ये कहानी है कि वेलबी कमीशन के टाइम पे इन्होंने ये ना जस्टिस जनार्दन ने इनको भेजा था कि तुम बाहर जाओ और वेलबी कमीशन को समझाओ अच्छे से क्या क्या चीज़ें। तो वेलबी कमीशन वो सिंपली कि यार इंडिया में जो पैसा है, जो एक्सप्लोटेशन इतनी हो रही है कि मतलब पैसा वगैरह खर्च हो रहा है वो गलत जगह पे हो रहा है, ऐसे इंडियंस ने काफ़ी आवाज़ उठी, तो एक कमीशन बनी थी कि उसको चेक करने के लिए इंडिया का पैसा जा कहाँ रहा है, तो वो चीज़ चेक करने इनको भेजा था कि भाई चेक करो कि वेलबी कमीशन अच्छे से काम कर रही है कि नहीं, वो चीज़ ऐसा, तो वो सब था, ठीक है। वहाँ पे मिला था कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर का, ठीक है। अब सबसे पहला इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो था परसुएडेड द ब्रिटिश फॉर रिफॉर्म्स, काफ़ी रिफॉर्म्स के लिए उन्होंने परसुएड किया कि ये सही करा दो, ये सही करा दो, ये सही करा दो, क्योंकि इनको फेथ था ना, तो ये ब्रिटिशर्स से करवा रहे थे। सबसे पहले तो कि ब्रिटिशर्स जो आर्मी में इतना एक्सपेंस ज़्यादा है उसे हम कैंसिल करो, कम करो, मतलब इतना ज़्यादा एक्सपेंस होना नहीं चाहिए जो ब्रिटिश आर्मी पर लग रहा है, ऑब्वियसली जो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी वो। उसके बाद पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फॉर हाई पोस्ट के लिए जो इतनी पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन हो रही है वो नहीं होनी चाहिए, मतलब कि जैसे मैंने तुम्हें कहा था ना कि जो आर्मी है उसमें एक लेवल तक ही इंडियन जा सकते हैं, उसके ऊपर सारे ब्रिटिश के लिए रिजर्व है, वो नहीं होना चाहिए, कोई जो काम अच्छा कर रहा है उसको दो, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता फिर वो इंडियन है या ब्रिटिशर है, ठीक है। सो या उसके बाद क्या है कि इम्पोजिंग प्रोडक्शन टैक्स ऑन कॉटन पे जो प्रोडक्शन टैक्स है उसको ऐसा मतलब उनको कहा कि कम करो यार, इंडिया पे मत लगाओ, बिकॉज ऑब्वियसली मतलब रोटी पानी है लोगों का, ऐसा सब चीज़ें ट्राइड। इन्होंने काफ़ी कोशिश करी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल को रोक पाए, लेकिन वो नहीं रोक पाए, ठीक है। 1905 में हमने सबने देखा क्या हुआ, एंड हमने देखा नहीं, मतलब हमने तो सुना ही ऑब्वियसली, बट मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स को इन्होंने काफ़ी मतलब ऐसा मतलब पैसेज दिया, काफ़ी ऐसा सपोर्ट टाइप किया, सपोर्ट इन द सेंस बिकॉज अब देखो तुम यहाँ पे देखो कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी से अपोज करेंगे, इन्होंने थोड़ा बहुत सपोर्ट क्यों किया, समझने की बात है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स
एक तरीके से लोग ऐसा लग रहा था कि इंडियंस के लिए अच्छा कर रहा है, क्या कर रहा है कि सरकार में इंडियंस को जगह दे रहा है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में इंडिया को जगह दे रहा है। लेकिन दूसरे के साथ वो जगह कैसे दे रहा था कि भाई हिंदूज के लिए इतनी जगह है, मुस्लिम्स के लिए इतनी जगह है, और हिंदू को सिर्फ हिंदू वोट डालेंगे, मुस्लिम को मतलब ऐसे सेपरेट इलेक्टोरेट वगैरह। बेसिकली मतलब बहुत बड़ी चीज़ है, बट इसको मैं अगर सिंपल में समझाऊँ तो इससे काफ़ी ना मतलब कम्युनल टेंशन बढ़ सकती थी। जिसने वो देख लिया वो अपोज कर रहा था, पर जैसे लग रहा था कि हाँ इंडियंस को जरूरत है यहाँ पे पहुँचने की, तो वो सपोर्ट भी कर रहे थे। सो दिस वॉज इट। ठीक है, अब सेकंड की बात करें हम सर्वेंट्स ऑफ इंडियंस, तो छोटा सा ये सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी इन्होंने 1905 में स्टार्ट करी। इसका मकसद क्या था इस सोसाइटी का, कि ट्रेन न्यू नेशनल लीडर्स टू सर्व इंडिया। अब इनको भी पता था यार कि ये जो थोड़े बहुत लीडर्स हैं कभी ना कभी तो इनकी डेथ होगी, और कभी ना कभी दे विल लीव द अर्थ इवेंचुअली, राइट। तो अगर इनकी डेथ के बाद कुछ कोई बड़ा लीडर उठा ही नहीं, तो इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी इस मकसद से स्टार्ट करी थी कि भाई हम और ऐसे नए लीडर्स इंडिया के ऊपर है जो अपनी लाइफ को डेडिकेट कर दें, मतलब पूरे देश के लिए एंड पूरे देश की सेवा में वगैरह सब। ठीक है, थर्ड इज रोल एज अ मेंबर ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटर लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, 1902 में इनको मतलब मेंबर बना दिया गया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का। इट वॉज लाइक के जो इंडिया को गवर्न करती है जो काउंसिल, ठीक है, मतलब हाउस ऑफ कॉमन्स वो बाहर का था, ब्रिटिश का, ये भी ब्रिटिश का पर इंडिया में। ठीक है, तो बेसिकली तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब ये क्या कि ये तो सॉल्ट ड्यूटी कम करने की बात करी इन्होंने, कि सॉल्ट ड्यूटी कम करो, काफ़ी कोशिश करी, मतलब इन्होंने काफ़ी करवा दी और ऐसा, और एक्साइज ड्यूटी जो कॉटन पे वो तो बंद ही कर दो, क्योंकि कॉटन वॉज एन इंपॉर्टेंट थिंग फॉर इंडिया यार, दैट आज भी है पर उस टाइम पे भी काफ़ी था। ठीक है, तो ये दो चीज़ें इन्होंने करी। उसके बाद तो मैं इसमें लिख सकते हो कि ट्राइड फॉर प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी करना, लेकिन वो हो नहीं पाया, कि इंडियंस के लिए जो प्राइमरी एजुकेशन उसे कंपलसरी कर दिया जाए, लेकिन वो कभी हो नहीं पाया, बिकॉज ऑब्वियसली इन्होंने यार ब्रिटिशर्स ने करके देख लिया था एक बार, ठीक है, कोशिश कर ली थी वेस्टर्न एजुकेशन को उन्होंने किया, तो काफ़ी इंडियंस को लगा कि गलत हो रहा है, क्योंकि इन्होंने क्यों किया, ब्रिटिश वेस्टर्न एजुकेशन को प्रोपेगेट किया, तो उसके साथ क्या हो रहा था, जो इंडियन एजुकेशन थी, इंडियन बुक्स वगैरह थी, इंडियन कल्चर था, वो तो दब रहा था, तो इसकी वजह से इंडियंस के साथ काफ़ी रिसेंटमेंट आया था 1857 में। तो इन्होंने इस बार ये कोशिश नहीं की, कभी भी किया नहीं। ठीक है, और लैंड रेवेन्यू कम करने की भी कोशिश करी इन्होंने, बट ऑब्वियसली तुम्हें पता कि ब्रिटिशर्स तो अपना पैसा पैसा कर रहे थे, वो तो करने वाले। सो ये चीज़ थी। अब गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, क्योंकि एग्जाम में नहीं आएगा, बट गांधी जी के मेंटोर भी रहे, मतलब उन्होंने खुद कहा गांधी जी ने कि गोपाल कृष्ण गोखले वॉज माई मेंटर, एंड मतलब ऐसा था कि ये गए थे साउथ अफ्रीका टू हेल्प गांधी जी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से लड़ने से, और वहीं पर प्रसुएड करके लेके आए थे कि आप इंडिया वापस आओ, इंडिया की फाइट में मतलब ऐसे मतलब इंडिया के लिए लड़ो एंड वो सब चीज़ें ऐसे सब। ठीक है, अब हम बात करते हैं सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के बारे में। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी नाम तो सुना होगा, ठीक है, बट सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ये कौन है, ये फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने ICS एग्जाम को क्वालिफाई किया था। अब ICS एग्जाम को इंडिया में लेके आने का काम किसने किया, दादा भाई नारोजी ने। फर्स्ट क्वालिफाई किसने किया, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने, कंफ्यूज मत होना बस। ठीक है, अब मैजिस्ट्रेट रही है असम में, ऑब्वियसली जब क्वालिफाई कर लिया तो कुछ तो मतलब पोस्ट मिलेगी ना, तो ये मैजिस्ट्रेट बने असम में, लेकिन उन्होंने जब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज़ वगैरह उठाई कि हमें और ऊंची पोस्ट मिलनी चाहिए, नहीं वो चीज़ काफ़ी चीज़ें, तो उनको मतलब निकाल दिया गया ऐसा सब, और उन्होंने रिजाइन कर दिया, मतलब बाहर आ गए उससे जो ICS वाला पूरा सिस्टम था उससे। अब इस्टैब्लिश द इंडियन एसोसिएशन 1876 में उन्होंने इंडियन एसोसिएशन नाम की एक पार्टी तो नहीं कह सकते, मतलब पॉलिटिकल नहीं, बट जैसे एक मूवमेंट वगैरह के लिए उन्होंने शुरू करी, एंड उसमें उसका एम क्या था, पहले तो लोगों को एजुकेट करना, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल ओपिनियन बनाना और यूनिटी बनाना, मेजॉरिटी उस टाइम पे यही थे जो इनमें मैंने बताया वो सब यही कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद क्या, क्रिएटेड एन ऑल इंडिया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब जो इनकी पार्टी थी और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इनको लगा कि यार इन दोनों के एम सेम है तो इनको मर्ज कर देना चाहिए, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑब्वियसली बड़ी थी, तो इनका जो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस थी उनको मर्ज कर दें, उसके बीच में ही समा दें। ठीक है, तो बेसिकली यही हुआ, INC मर्ज विद द इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस इनकी थी, INC तो मतलब तुम्हें पता ही है कांग्रेस की बात हो रही है, तो ये सी। अब कांग्रेस के प्रेसिडेंट ये दो साल रहे हैं, दो बार रहे हैं, एक तो 1895 में और एक 1902 में, 1895 में 1902। ठीक है जी, पॉलिटिकल आइडियाज़ के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यार सिंपल है कि इन्होंने काफ़ी आवाज़ उठाई किसके खिलाफ, पहले तो आर्म्स एक्ट, लाइसेंस एक्ट, वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट, ये वो लिख सकते हो। ठीक है, आर्म्स एक्ट, वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट और ये सब चीज़ें, और स्पेशली जो मैंने लास्ट में कहा था, अब इन्होंने देखो एग्जाम क्लियर कर दिया था तो इन्हें पता था कितना मुश्किल है, अब जब उन्होंने 21 से वो 19 की एज कर दी तो उनको लगा कि यार ये कैसे कर सकते हैं, ये तो बहुत अत्याचार वगैरह हो रहा है इंडिया में, ले आने का फायदा क्या हुआ। ठीक है, तो एग्रीटेशन इन्होंने इसके खिलाफ भी करी है कि 21 से 19 साल की जो एज शिफ्ट हुई ICS एग्जाम के लिए वो भी गलत है, और मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स के बारे में जैसे मैं तुम्हें बता चुका हूँ उसके खिलाफ भी ये बोले। ठीक है, अब इनको फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म भी कहा जाता है, और इनकी कुछ बुक्स हैं, ठीक है, जो कि है नेशन इन द मेकिंग, एंड इन्होंने एक जो अखबार शुरू की थी जिसका नाम है बंगाली, ठीक है, और उसमें उन्होंने कहा था काफ़ी कुछ ऐसा इंडियन के बारे में, कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस नहीं कह सकते बट इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में काफ़ी ऐसा प्रमोट वगैरह किया, काफ़ी प्रोपेगेट वगैरह किया, लोगों तक बात पहुंचाई। और एक पॉइंट अगर लिखना चाहो, वैसे तो काफ़ी कुछ लिख दिया बट फिर भी, अपोज डिसीजंस ऑफ बंगाल का जो पार्टीशन था, ठीक है,
जो डिवीजन ऑफ बंगाल था उसके काफ़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अपोज किया, लेकिन वो रुक नहीं पाया। ठीक है, किसने किया था, अब ये अलग पॉइंट है, वैसे तो नहीं आएगा, आगे के चैप्टर्स में आ जाएगा, लेकिन लॉर्ड कर्जन ने किया था। कब हुआ था? 1905 में, लॉर्ड कर्जन 1905। सो दिस वॉज योर चैप्टर एट अ ग्लांस। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ आ गया, फटफट रिविजन हो गई है एंड यू आर एग्जाम रेडी। अगले चैप्टर जल्दी से जल्दी आएंगे, डू लेट मी नो कोई और चैप्टर जल्दी चाहिए, सिविक्स जल्दी चाहिए या हिस्ट्री, एंड वी विल कंप्लीट इट इवेंचुअली। सब्सक्राइब फॉर मोर, थैंक यू।